हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो आज मैं जा रहा हूँ यहाँ अपना फाइनेंस ऑफिस में, मतलब एक जैसे नोट टैक्स पे नंबर होता है ना उनके ऑफिस में, क्योंकि इसमें मेरा जो एड्रेस है वो पहले का डरा हुआ है और उसका जो आईडी पासवर्ड है वो भी नहीं है मेरे पास, तो मैं वो लेने जा रहा हूँ और उसमें एड्रेस वगैरह भी चेंज करवाना है अपना, यहाँ का करवाना है। और क्योंकि मुझे ज़रूरत है अपने, मुझे स्कूल में देना है जहाँ मैं जाता हूँ ना, स्कूल में देना है मेरे को, अब मैं जहाँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं साथ में ले कर चल रहा हूँ अपना बैग। और अभी मतलब पैदल जा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से कम्बोई, तो उसके बाद फिर पैदल है, तो मैं दिखाता रहूँगा आपको, क्योंकि जो इसका है जरूरत इसकी पड़ती रहती है, क्योंकि अपना एक मेन डॉक्यूमेंट है अभी, मतलब जहाँ से हम कहीं भी जाते हैं, जैसे हम कुछ सामान वगैरह लेते हैं तो उस टाइम ये नंबर हमको कहीं पर डलवाना पड़ता है, वो पूछते हैं कि डालना है नहीं डालना, इससे पता लगता है कि हम जो है यहीं पे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं पुर्तगाल में, और हम जो गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं बहुत जरूरी हैं, एक अपना फाइनेंस हो गया, एक अपना सफर हो गया, मेन ये है, बाकी अपनी एंट्री वगैरह बहुत होती है, डॉक्यूमेंट जो होते हैं। और अभी मैं बस मेन तो मेरा यही है कि मैंने अपना इसका एड्रेस वगैरह चेंज और अपना आईडी पासवर्ड लेने जाना हूँ इसका, तो देखते हैं क्या रहेगा, अभी देंगे कैसे देंगे, क्या क्या फंडे पाएंगे, अभी उतनी बता रहे फिलहाल, कि भाई बता रहे थे जिन्होंने पहले करवाया हुआ है कि बहुत पंगे बातें हैं अभी ना, ऐसी आसानी से नहीं देते, या कहेंगे कि आपके पुराने वाले एड्रेस पर भेजेंगे, बस पुराने वाला एड्रेस का कोई पता नहीं वहाँ कौन रहता है कोई नहीं, क्योंकि जब पेपर लॉक कराए थे उन्होंने ही वहाँ का एड्रेस डाला था, तो उस टाइम पे बाकी देखते हैं अगर यहाँ का वो कर दें तो ऐसा कुछ, नहीं तो फिर बहुत से जैसे एजेंट होते हैं फिर एजेंट के थ्रू कराना पड़ेगा, बट फिलहाल अपने थ्रू ही डायरेक्ट वो जाके आ जाते हैं ऑफिस में, देखते हैं क्या रहेगा। उसके बाद मैं जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आपको, दिखाते हैं आपको सफ़र, ठीक है, बाय कम्बोई, फिर पैदल, जो भी होगा मैं तो दिखाता रहूँगा। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम अपना कम्बोई स्टेशन पे, और कम्बोई है इस टाइम यहाँ से 9 मिनट बाद, मतलब 12 पे है और 3 हो चुके हैं, 1:12 पे 3 हो चुके हैं, तो उसमें कर रहा हूँ उनकी वेट, पहले बस में जाए सोचा, लेकिन बस भी जो है वो टाइम ज़्यादा लग रही थी पहुँचाने में, तो इसलिए मैं इस की तरफ कम्बोई में, बाकी यहाँ पर पूरी चल रही है भी हल्की फुल्की, तो अब मैं जाके मिलता हूँ आपको कम्बोई स्टेशन पे, मतलब कि वहाँ कम्बोई स्टेशन वहाँ पर उतरने के बाद फिर आपको लेके चलूँगा फाइनेंस ऑफिस में, फिर मैं बताऊँगा आपको जो भी होगा सर, वीडियो बनानी होगी तो बाकी कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं भी ऐसा डाउट नहीं होता, ऐसा ब्लॉगिंग जो भी चीज़ होती है, तो अगर फिर भी पॉसिबल हुआ थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिखाई दूँगा अंदर का कैसा है कैसा नहीं, तो बने रहना वीडियो में, मिलते हैं आपको। तो भाई मैं उतर चुका हूँ अपना मेट्रो में से, कम्बोई में से, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ पैदल पैदल, थोड़ी सी दूर है, मतलब ये है फोरम ब्रैरो में, यहाँ पे IEFP का सेंटर है, ठीक है, मतलब कि मेन ब्रैरो का जो मेन मार्केट है यहाँ सारे ऑफिस वो यही है, सारे बैंक वगैरह सब कुछ यहाँ, मतलब बैंक में आया बैंक के पास करके उसने सुनी ना, ये तो आपको बैक कैमरे से भाई, ये वही लोकेशन है यहाँ से
मतलब पैदल का रास्ता है, 250 मीटर है यहाँ से, ठीक है। और आसपास की लोकेशन रोड वहीं जा रहा है, सड़क ये वहीं जा रही है, बैंक के आसपास बैंक है, वहीं पर सारा बिजनेस यहीं पर है। सोशल का हो गया और बैंक हो गया, फाइनेंस का हो गया और IFP का हो गया, गवर्नमेंट हो, जितनी भी जाए सारे यहीं के ही हैं। के सारे कई ऑफिस हैं, ADP मतलब अप्रोक्सीमेट सारे ऑफिस इनके यहीं पे हैं। तो अभी मैं भी मैप पे देख लेता हूँ मुझे कहाँ जाना है, वो भी दिखाता हूँ आपको। बस अभी मेन ना आपको सीधा वहीं बाहर जाके मिलूँगा। आपको सीधा फाइनेंस ऑफिस के बाहर ही जाके मिलूँगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस फिलहाल ना मैं अपना यहाँ एक चौपड़ी से नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि अभी आते आते ना एकदम बहुत ज़्यादा तेज एकदम से स्टार्ट हो चुकी है। अभी बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए वैसे धूप आ रही है बट बारिश एकदम से स्टार्ट होगी, मतलब मैं थोड़ा सा भीग गया था दौड़ते दौड़ते, मुझे ये दिखा तो यहाँ आ गया मैं इसके नीचे। और किसके अंदर ही देखो कलाकारी कर रखी है इनके अंदर ना, मके तो बैक करी है, मेन रोड उधर है, मेन रोड है। मैं पहुंच चुका हूँ अपना फाइनेंस ऑफिस में, ये फाइनेंस ऑफिस, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा यहाँ पे अंदर यहाँ सीढ़ियों से, तो देखते हैं अंदर जाके क्या रहेगा तो बताता हूँ आपको। ये फोरम परेरो, ये मेन लोकेशन है फोरम परेरो की है, ये आसपास की। ओके चलो मिलते हैं आपको अंदर जाके, बताते हैं क्या रहेगा। तो वैसे फिलहाल मैं बैठा हूँ अपना यहाँ वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो मशीन है मतलब जो टिकट लेनी थी अपॉइंटमेंट की लगा लो, तो वो सारी मशीनें आज बंद पड़ी हैं, कि हमको किसी लिए भी अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो सारी टिकटें बंद है। आज सिर्फ जिनको पास अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी उनकी डेट थी आज, तो आज वो सारे आए हुए हैं, क्योंकि मशीन मैंने देखी है अभी, मैं आपको आपने देखी होगी मशीन पर सारी जो बंद पड़ी हैं, सिर्फ एक खुली है, वो भी मतलब खुली नहीं है, मतलब ऐसे ही है कि वो ये तरह जो प्रायोरिटी है मतलब जिनके पास अपना क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट है, सिर्फ उनकी जो आज वो डेट है। तो अभी मैं बैठा हूँ वेट में, देखते हैं क्या रहेगा, अभी करते हैं इनसे बात थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ अपना फाइनेंस ऑफिस में से, इन्होंने मतलब जो मेरा एड्रेस किया है वो पुराने वाला चेंज किया है, जो मतलब कि जब मैं पेपर लॉक गए थे जो कॉन्टैक्ट था, जो कॉन्टैक्ट के ऊपर जो मेरा एड्रेस वो वाला चेंज किया है फिलहाल। बाकी वो कह रहे हैं कि आपको सेफ में जाना पड़ेगा, सेफ से एक बार कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उनसे एड्रेस चेंज कराना पड़ेगा अपने कॉन्टैक्ट में अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके बाद ही यही है यहाँ पर चेंज करेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी करते हैं उनसे कॉन्टैक्ट और देखते हैं, कर मिलते हैं किसी से, नहीं तो फिर बाय या किसी से एजेंट के थ्रू कराना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा बताएंगे आपको। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ घर पर अपना, आज के लिए इतना ही था, बाकी किसी ने अगर करवाना हो तो फिर उन्होंने मुझे एक साइट पर दिया कि साइट पर जाके एक बार रजिस्टर कर लो, पे जाके हो जाएगा सब कुछ, बट वो कह रहे हैं कि जो आपका पासवर्ड जाएगा वो जो एड्रेस डाला उस एड्रेस पे जाएगा, तो उससे बात नहीं बन पाएगी। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं जो भी होएगा। अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना था, मैं जा रहा हूँ घर पे, तो
बाकी मौसम भी होना ख़राब, तो जो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। बाकी वीडियो में